ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स है पोलीचीटा के, नीरिस, एरिनिकोला, एप्रोडाइट, केटोप्टेरिस टबेला, सबेला। ठीक है, अब ओलिगो चीटा के एग्जांपल्स। ठीक है, ओलिगो चीटा में एग्जांपल होता है हमारा अर्थवॉर्म, फेरिटिमा पोस्थ्यूमा, फेरिटिमा पोस्थ्यूमा, पोस्थ्यूमा, फेरिटिमा पोस्थ्यूमा एक होता है। दूसरा लुम्ब्रिकस भी होता है, लुम्ब्रिकस। तो ये एग्जांपल्स है ओलिगोचीटा के। ठीक है, अब हाइड्रोटिनिया के एग्जांपल, हाइड्रोटिनिया के एग्जांपल है हमारा लीच है, लीच, हाइड्रोटिनेरिया जिसे कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोटिनेरिया, लीच मत लिखो, हाइड्रोटिनेरिया लिखो। देखो हाइड्रोटिनिया के एग्जांपल्स में यहाँ पे लिखती हूँ, हाइड्रोटिनिया के एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल है हाइड्रोटिनेरिया, हाइड्रोटिनेरिया लीच जिसे कहते हैं। सेकंड एग्जांपल है एकेंथोपडीला, एकेंथोपडीला, और फिर पोंटोपडीला, पेंटोपडीला। ठीक है, पोंटोपडीला, इसके हाइड्रोटिनिया के एग्जांपल से। तो हमने करा इसमें फाइलम एनिलिडा के तीन मतलब चार क्लासेस है, पोलिचिटा, ओलिगोचिटा एंड हाइड्रोटिनिया एंड एरिक एनिडिया। अब जो पोलिचिटा के एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल पोलिचिटा के मान लो एग्जांपल से, आप इनके हम कॉमन नेम्स भी लिखते हैं। ठीक है, पोलिचिटा के जो एग्जांपल्स हैं इनके कॉमन नेम लिखते हैं, ओलिगोचिटा के जो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पहले नीरिस, नीरिस जो होता है, ठीक है, नीरिस, नीरिस को कॉमनली क्या कहते हैं, क्लेम वॉर्म या सेंड वॉर्म या रग वॉर्म कहा जाता है। ठीक है, नीरिस देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, फिर नीचे से करके लिखो नीरिस। नीरिस इज कॉमनली नोन एज, कॉमनली नोन एज क्लेम वॉर्म, CLAM, क्लेम वॉर्म, या सेन वॉर्म भी कहा जाता है, इस एन डी सेन वॉर्म, और रक वॉर्म, RUG, रक वॉर्म। ठीक है, फिर इसके बाद नीरिस के, नीरिस के बाद कौन सा है, एरिनिकोला, ये वाला एरिनिकोला, एरिनिकोला इज कॉमनली नोन एज लग वॉर्म या लोब वॉर्म, एरिनिकोला, एरिनिकोला इज कॉमनली नोन एज लग वॉर्म, LUG, लग या लोब, LOBE, लोब वॉर्म, लग वॉर्म भी कहा जाता है, लोब वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एफ्रोडाइट, पोलिचिटा के एग्जाम्पल से ये सब, एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट इज कॉमनली नोन एज सी माउस, आप लोग ऐसे लिखो। ठीक है, एफ्रोडाइट इज कॉमनली नोन एज सी माउस। फिर इसके बाद है केटोप्टेरिस, केटोप्टेरिस, CHAE, TOPTERUS, केटोप्टेरिस इज कॉमनली नोन एज पेडल वॉर्म, PADDLE, पेडल वॉर्म। पेडल वॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पेडल, जो केटोप्टेरस होता है, ठीक है, इसके पेडल पे मतलब फुट पे क्या होता है, मतलब लाइटनिंग, जैसे कि जुगनू, लाइटिंग, जुगनू क्या करता है, अपने बॉडी से लाइटनिंग करता है। ठीक है, जुगनू क्या, जुगनू के ऊपर मतलब लाइटनिंग, जब हम रात को जुगनू को देखते हैं तो वो कैसे मतलब स्टार की तरह, ठीक है, लाइटनिंग करता है, इसी तरीके से केटोप्टेरिस के पेडल के ऊपर, पेडल मीन्स उसके फुट के ऊपर, ठीक है, पेड़ के ऊपर, फुट के ऊपर क्या होता है, वही मतलब बायोल्यूमिनेंस होता है, बायोल्यूमिनेंस मीन्स या फ्लोरेसेंस जिसे कहते हैं। ठीक है, लाइटनिंग करने का एक फिनोमिना होता है, ठीक है, क्योंकि उसके फुट पे एक म्यूकस सिक्रीट होता है जो कि जब सनलाइट के अंदर रहते हैं तो वो क्या करता है, मतलब लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, पेडल वॉर्म, पेडल वॉर्म। इट शोज द फिनोमिनन ऑफ, द फिनोमिनन ऑफ बायो ल्यूमिनस और
for the sins, for the sins, because it secretes, because it secretes a mucus which when come to sunlight sunlight and produce this phenomena. ठीक है, तो ये lightning produce करता है. Next है sabella is commonly known as scale worm. इसे क्या कहते हैं, scale worm कहा जाता है. ठीक है, ये सब हो गया polychaeta के examples, polychaeta में. ठीक है, polychaeta के कॉमन नेम्स. ठीक है, नीरिस, एडिनिकोला, एफ्रोडाइट, केटोप्टेरस, सबेला, ये सब पोलीचीटा के. अब आता है ओलिगोचीटा. ओलिगोचीटा में हमारे पास है फेरिटिमा पोस्ट्यूमा. ओलिगोचीटा इसमें फेरिटिमा पोस्ट्यूमा इज कॉमनली नोन एज अर्थवर्म. अर्थवर्म का जोलॉजिकल नेम क्या है, फेरिटिमा पोस्ट्यूमा है. फेरिटिमा पोस्ट्यूमा इज कॉमनली नोन एज अर्थवर्म. ठीक है, तो ये सब है. ठीक है, और हाइड्रोडिनिया में हाइड्रोडिनेरिया है. ठीक है, हाइड्रोडिनेरिया इज कॉमनली नोन एज लीच. इंडियन केटल लीच, लीच कहा जाता है हाइड्रोडिनेरिया का कॉमन नेम. ठीक है, तो ये सब हो गया एनिलिड्स के बारे में. हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट, हिमाटोबियम गिलाइनी जो होता है. ठीक है, हिमाटोबियम गिलेनी ये क्या होता है, एक मतलब हिमाटोबियम गिलेनी एक लीच होता है. ठीक है, हाइड्रोडिनेरिया होता है, लीच होता है, जो कि लार्जेस्ट लीच ऑफ द वर्ल्ड है. ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट लीच ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लीच ऑफ द वर्ल्ड. हिमाटोबियम गिलेनी इज द लार्जेस्ट लीच ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पे हमारा एनिलिडा का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है. तो एनिलिडा के क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि जो एनिलिड्स हैं, ठीक है, ये क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चीटा या सीटे. तो एनिलिड्स क्लासिफाई किया हुआ है चार क्लासेस में, पोलीचीटा, ओलिगोचीटा, हाइड्रोडिनिया एंड एरिक एनिलिडा. एरिक एनिलिडा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना है. तो हमें ये तीन क्लासेस पढ़ने हैं. पोलीचीटा में क्या डिफरेंस, पोलीचीटा, ओलिगोचीटा, हाइड्रोडिनेरिया में क्या क्या डिफरेंसेस है ये हमें पढ़ना है. ठीक है, पोली मीन्स मेनी, इनमें मेनी चीटा प्रेजेंट होता है. ओलिगो मीन्स फ्यू, इनमें कुछ ही चीटा प्रेजेंट होता है. लोकोमोटर ऑर्गेनिक जो चीटा प्रेजेंट होता है वो कुछ ही होता है. हाइड्रोडिनेरिया में एब्सेंट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक्टोपेरासाइटिक होता है. ठीक है, ये मोस्टली मरीन होता है और कार्निवरस ऑर्गेनिज्म होता है. ये टेरिस्ट्रियल होता है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, और ये एक्टोपेरासाइटिक होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें पोलीचीट्स में हेड, इनका जो हेड होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, और हेड के दो पार्ट्स होता है, प्रोस्टोमम और पेरिस्टोमम, और हेड के ऊपर टेंटिकल्स, आई, सीराई, पाथ, ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है. ओलिगोचीटा में भी हेड वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन इसमें कोई सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होता है, टेंटिकल्स ये सब एब्सेंट रहता है. हाइड्रोडिनिया में भी हेड होता है, इनमें भी टेंटिकल्स, आइस, ये सब क्या होता है, एब्सेंट होता है. पेरिसाइटिक में ऑब्वियसली एब्सेंट होगा. ठीक है, फिर पोलीचीटा में जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स जो होता है वो सीटे भी प्रेजेंट होता है, पेरापोडिया भी होता है. इनमें सिर्फ सीटे प्रेजेंट होता है, ओलिगोचीट्स में पेरापोडिया एब्सेंट होता है. हाइड्रोडिनेरिया में मैंने पहले ही बोला था कि पैरासाइटिक में क्या होता है, एब्सेंट होता है. तो पैरापोडिया और सीटे दोनों, लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म दोनों एब्सेंट रहता है.
पोलिचिर्स में सक्सेस सेपरेट होता है तो डैशेस होता है, ये मोनोशियस होता है, ये मोनोशियस होता है। डैशेस और मोनोशियस ऑलरेडी हमने पढ़ा है क्या होता है। तो जिन एनिलिड्स में डैशेस होता है उनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनका लार्वा फॉर्मेशन होता है, ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, इनमें जो मोनोशियस एनिलिड्स है इनमें क्लेटिलम बन जाता है। क्लेटिलम इट इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये कुकुन लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये परमिनेंट रहता है। हाइड्रोटिनिया में भी क्लेटिलम बनता है लेकिन वो टेम्पररी बनता है, फॉर्म्ड ये सिर्फ फॉर्म्ड होता है ब्रीडिंग सीजन में ही, फिर इसके बाद ये गायब हो जाता है। ठीक है, तो पोलिचिट्स में एग्जाम्पल है नीरिस, एरिनिकोला, एफ्रोडाइट, केटोप्टीरस, टर्बेला, सबेला। ओलिगोचिट्स में फेरिटिमा पोस्थिमा लुम्ब्रिकस है और हाइड्रोटिनिया में हमने पढ़ा हाइड्रोजेनेरिया, एकंथोप्टिला और पेंटोप्टिला। तो नीरिस का नीरिस जो पॉलीचिट्स में नीरिस का कॉमन नेम है क्लैम वॉर्म, सेन वॉर्म या रग वॉर्म। एरिनिकोला, एरिनिकोला का कॉमन नेम है हमने पढ़ा लोब वॉर्म या लग वॉर्म। ठीक है, एफ्रोडाइट का सी माउस, ठीक है सी माउस पर। केटोप्टीरस, केटोप्टीरस को हमने पेडल वॉर्म भी कहा गया क्योंकि इसके पेडल से, ठीक है, फूड से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है। टबेला का नहीं पता, सवेला को स्केल वॉर्म, कॉमनली नोन एज स्केल वॉर्म कहा जाता है। फेरिटिमा पोस्टिमा हमारा अर्थ वॉर्म है। ठीक है, और हाइड्रोटिनेरिया हमारा क्या है, लीच है। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म इन एनिलिड्स। ठीक है, मेटामेरिज्म इन एनिलिड्स। थैंक यू वेरी मच।